न्यू ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने घर पर स्वस्थ मस्त होंगे। आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ डीको का काम किस तरीके से होता है, पहले किस तरीके से इसका घिसाई होता है। आप लोग देख सकते हैं, देखो ये डीको का फाइनल लगा है। आप लोगों को अंकल थोड़ा घिसिए, इसको घस के बताओ थोड़ा किस तरीके से इसको घसा जाता है। आप भी बताओ, बोलो इसमें किस तरीके से इसको इसको घिसा जाता है। हाँ भी देखा जाए कि प्लेन हो गया क्या नहीं। हाँ हाँ, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इसको अस्तर मारेंगे, इसको अस्तर मारेंगे, पीएस वाइट मारेंगे इसके ऊपर। इसको टचअप भी होगा, टचअप भी होगा, कितने अच्छे कटिंग होगा। हाँ, वाटर कटिंग देखो, यहाँ पे वाटर कटिंग हो चुका है अभी, थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं आप लोग, ये हुआ है हल्का हल्का वाटर कटिंग हुआ है। जो देता है हमारे एक नंबर देता बनाता है उसको, आप उसको मिलता तो अंदर से थोड़ा अंदर भी किस तरीके से। यहाँ पे एक डीको का बिग डोर है, आप लोगों को दिख रहा होगा, वाटर कट के इसका फिनिशिंग आना चाहिए, फिनिशिंग ज़बरदस्त आता है वाटर कटिंग से। देखेंगे किस तरीके से इसको मोल्डिंग वोल्डिंग में बनाया है। स्प्रे इस पर हुआ है और स्प्रे अभी और मारूंगा मैं, देखें तो ये घसा डीको मिस्त्री है, खास डीको मिस्त्री। हाँ, मैं दिखाता हूँ दूर से, ये एक मोल्डिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोल्डिंग लगा है। देखो दीवार में इसी तरीके से मोल्डिंग लगाया जाता है डिजाइन के लिए। देखेंगे आप कितना खूबसूरत दिख रहा है ये दीवार। घसाई कर रहे हैं इसको घसाई करने से फिनिशिंग अच्छा आता है इसका, देख सकते हैं किसी तरीके से इसका ये भी मोल्डिंग जो अभी चल रहा है ना, ये दीवार में जो लग रहा है मोल्डिंग, ये एकदम ट्रेंडिंग पे है, ट्रेंडिंग पे ये सब डिजाइन इस समय है एकदम ट्रेंडिंग। देखो पूरा बहुत अच्छा से दिख रहा होगा एकदम पूरा, ये भी नया नया मोल्डिंग लगा इस पर जो दिख रहा है, ये पतला वाला ये मोल्डिंग, ये भी डीको होगा। देख सकते हैं किस तरीके से इतना बेहतरीन दिख रहा है, पहले इस पर पॉलिश हुआ है, पॉलिश के ऊपर डीको भी हो सकता है। इसको पॉलिश जो हुआ है इसको थोड़ा रेगमार से 120-150 नंबर से पेपर से इसको घिस के सैंडिंग मशीन से घिस सकते हैं या हाथ से घिस सकते हैं। दीवार पे डिजाइन हुआ किस तरीके से, ये डिजाइन दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा बहुत बेहतरीन दिख रहा है डिजाइन। इस पर भी पेंटी होगा है ना अंकल, इस पर पेंट होगा ना। आप कितना दिन से कर रहे, कम से कम 30 सालों से? ये 30 साल से अंकल काम कर रहे हैं, इनका इतना एक्सपीरियंस है काम करने का ना कि कुछ भी ये कर सकते हैं, कैसा भी रहे कुछ भी डीको पॉलिश डिजाइन वगैरह सब कर सकते हैं कि नहीं। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्रियन से काका है कि नहीं है, लेकिन डीको और पॉलिश में नंबर वन। हाँ, इसीलिए खुद का बाल भी सफेद कर दिया डीको। हाँ हाँ, बहुत पुराने नहीं, कितना हो गया, कितना था, 30 साल ना? 30 साल बचपन से काम करता हूँ, बचपन से काम करे, बाल पक गया इनका ये डीको का काम करते करते। अभी ये काका स्प्रे मारेंगे, देखो स्प्रे से इनको स्प्रे मारूंगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से डीको का स्प्रे मारा जाता है। ये स्प्रे मशीन है, ये भी ये पाइप वगैरह बहुत लंबा पाइप है, यहाँ से पाइप ज़्यादा बड़ा रहता है तो मतलब दूर तक आदमी कर सकते हैं उसको काम, देख सकते हैं। तब तक के लिए मेरे वीडियो में बने रहे और मैं दिखाऊंगा।